दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको पैसे दिलाएगी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और स्मार्टफोन है तो। अब हो सकता है आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा पैसे दिलाएगी मतलब दोस्तों आपको 45 डेज के लिए इंटरेस्ट फ्री मनी मिल सकता है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपके बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी, तो उस पैसों की जरूरत को आप इस ऐप के जरिए पूरा कर पाएंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वो एप्लीकेशन क्या है उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं उस एप्लीकेशन का नाम है इंडिया गोल्ड ऐप। दोस्तों इस ऐप की मदद से आप गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड बेच सकते हैं, गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा आप गोल्ड लॉकर्स को रेंट पे भी ले सकते हैं जिस पर आपको फ्री इंश्योरेंस मिलता है। पर इस एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट फीचर है 45 डेज इंटरेस्ट फ्री मनी इन योर अकाउंट, मतलब दोस्तों 45 डेज के लिए आपको इंटरेस्ट फ्री मनी मिल सकता है। देखिए दोस्तों हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें हमको एक क्रेडिट लिमिट मिली होती है, उस लिमिट का इस्तेमाल हम लोग शॉपिंग करने के लिए या फिर बिल पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं, और जो भी अमाउंट हम यूज करते हैं उसको हमको रीपे करने के लिए कुछ दिन का टाइम मिल जाता है। और दोस्तों आप ये भी जानते होंगे जब भी हम क्रेडिट कार्ड से कोई सामान खरीदते हैं और इनकेस उस सामान को कैंसिल करते हैं तो जो पैसा होता है वो आपके क्रेडिट कार्ड में वापस आता है ना कि आपके सेविंग अकाउंट में। लेकिन इंडिया गोल्ड ऐप में एक बेस्ट फीचर है जिसका नाम है गिफ्ट कार्ड। तो अगर आप इंडिया गोल्ड ऐप से गिफ्ट कार्ड परचेस करते हैं आपके क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम से, और उसके बाद में अगर आप उस गिफ्ट कार्ड को कैंसिल कर देते हैं तो जो पैसा होता है वो आपके पर्सनल अकाउंट में आता है ना कि क्रेडिट कार्ड में। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो पैसे आपके अकाउंट में आएंगे इनको आपको रीपे करना होगा आपके क्रेडिट कार्ड के नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में। तो इनकेस अगर आप पैसे निकालते हैं तो आप टाइमली रीपे जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया गोल्ड ऐप की जो सबसे अच्छी बात है वो है कि इसमें आप 30 लाख रुपए तक का गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं। एक दिन की लिमिट होती है 1 लाख रुपया, तो आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट करके उसको कैंसिल करके पैसे आपके अकाउंट में ले सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको कोई भी केवाईसी करने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने मोबाइल से इसको कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, रेंट एग्रीमेंट, पैन कार्ड किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। ये जो ट्रांजैक्शन होता है कंप्लीटली पेपरलेस होता है, आपको सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई करना होगा। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि गिफ्ट कार्ड होता क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इंडिया गोल्ड गिफ्ट कार्ड की मदद से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, और गिफ्ट कार्ड खरीदने के बाद में उस गिफ्ट कार्ड को आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, खुद रिडीम कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। इस गिफ्ट कार्ड की वैलिडिटी होती है 1 साल की। और मैं आपको बताना चाहूंगा गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसके ऊपर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने होते हैं ये डिपेंड करता है आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और जिस कंपनी ने आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया है उसके रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूं कि कैसे आप इंडिया गोल्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद में गिफ्ट कार्ड को क्रिएट करके उसको कैंसिल करके पैसे आपके अकाउंट में ले सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया गोल्ड ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझ में आ जाए, और उसके बाद में आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और पैसे आपके अकाउंट में ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इंडिया गोल्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहां पर आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन एक बार आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी उसके बाद में सिंपली आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी, यहां पर आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको जो भी लैंग्वेज समझ में आती है वो आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। मैं यहां पे इंग्लिश ही रहने देता हूं और उसके बाद में सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में दोस्तों इंडिया गोल्ड एप्लीकेशन यहां पे ओपन हो चुकी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था इस एप्लीकेशन की मदद से आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, गोल्ड के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं गिफ्ट कार्ड के बारे में जिसकी मदद से आप अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे आपके अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा जिसका नाम है डिजिटल गोल्ड। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहां पर आपको 3 टैब दिए गए हैं, सबसे पहला है बाय, दूसरा है सेल और तीसरा है गिफ्ट। तो आपको गिफ्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप गिफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहला है बाय गिफ्ट कार्ड और दूसरा दिया है रिडीम यूजिंग गिफ्ट कार्ड कोड। तो अगर आपके पास कोई गिफ्ट कार्ड का कोड है तो उसको आप रिडीम भी कर सकते हैं। और नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो भी आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट करेंगे तो उस गिफ्ट कार्ड को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे 2% कन्वीनियंस फीस पे करनी होगी। तो सिंपली आपको यहाँ पे बाय गिफ्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके लॉगिन या फिर साइन अप कर लेना है।
तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाइंग योर मोबाइल नंबर। तो मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो चुका है और उसके बाद में मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे लिखा है प्लीज एंटर योर फुल नेम टू क्रिएट योर अकाउंट। तो मुझे मेरा पूरा नाम यहाँ पे एंटर करना है, आपको अपना नाम एंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे मेरा नाम एंटर कर देता हूँ। नाम एंटर करने के बाद सिंपली क्रिएट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे मैंने क्लिक किया उसके बाद में आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है वेलकम रजनीकांत शर्मा। तो चलिए फटाफट एक गिफ्ट कार्ड क्रिएट करते हैं। तो गिफ्ट कार्ड क्रिएट करने के लिए फिर से मुझे क्लिक करना होगा डिजिटल गोल्ड ऑप्शन के ऊपर। फिर से मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पे मुझे गिफ्ट सिलेक्ट करना है और बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, बाय गिफ्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ऊपर की तरफ आपको बताया गया कि दो स्टेप में आप गिफ्ट कार्ड को बाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गिफ्ट कार्ड सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में उसका आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल गिफ्ट कार्ड मिल जाएंगे। आप 1,00,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड बना सकते हो, 75,000 का भी बना सकते हो, 25,000 का बना सकते हो, 20,000 का बना सकते हो, 15,000 का बना सकते हो, 10,000 का बना सकते हो, 5,000, 2,000, 1,000 या 500 रुपए। तो जितने भी अमाउंट का आप बनाना चाहते हैं उतने अमाउंट का गिफ्ट कार्ड यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ से 500 रुपीज का गिफ्ट कार्ड बना लेता हूँ। जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा नीचे मुझे एक ऑप्शन आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट, तो मुझे इसके ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, पेमेंट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ से शूट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो पेमेंट स्क्रीन होती है यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पे वाया क्रेडिट कार्ड, उसके बाद में पे वाया वॉलेट, और मैं आपको बताना चाहूंगा आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम का यूपीआई होगा उससे भी आप पेमेंट कर पाएंगे। और नीचे आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन भी दिया गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको 2% कन्वीनियंस फीस पे करना होगा। तो हम 500 रुपीज का गिफ्ट कार्ड बना रहे हैं तो 500 रुपीज का 2% होता है 10 रुपया, तो मुझे यहाँ पे टोटल पे करना होगा 510 रुपया। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ से क्रेडिट कार्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट किया उसके बाद में मुझे क्रेडिट कार्ड के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करने होंगे। तो चलिए फटाफट मैं अपने डिटेल्स एंटर कर देता हूँ। सारे डिटेल एंटर करने के बाद सिंपली मुझे पे के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद में मेरा यहाँ पे गिफ्ट कार्ड क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप देख सकते हैं गिफ्ट कार्ड का कोड भी यहाँ पे दिया गया है, गिफ्ट कार्ड का स्टेटस भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, रिडीम गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट टू फ्रेंड और कैंसिल गिफ्ट कार्ड। तो दोस्तों अगर आपको पैसे आपके अकाउंट में चाहिए तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो सिंपली उसके बाद में हमको क्लिक करना होगा कैंसिल गिफ्ट कार्ड के ऊपर। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कैंसिल गिफ्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये पॉपअप आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन कैंसिलेशन वी विल इनिशिएट अ रिफंड ऑफ 500 रुपीज, ब्रैकेट में लिखा है गिफ्ट कार्ड वैल्यू टू योर बैंक अकाउंट, प्लीज नोट दैट द कन्वीनियंस फीस पेड इज नॉन रिफंडेबल, वंस अ गिफ्ट कार्ड इज कैंसल्ड इट कैन नॉट बी रिडीम्ड एंड गिफ्टेड। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस गिफ्ट कार्ड को कैंसिल कर देते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपीज मिलेगा, जो कन्वीनियंस फीस आपने पे की थी 2% एक्स्ट्रा वो आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस गिफ्ट कार्ड को कैंसिल कर देंगे तो आप इसको रिडीम भी नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ किसी को गिफ्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद में कैंसिल एंड इनिशिएट रिफंड के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, रिफंड जो करना है वो आपके बैंक अकाउंट में करना है कि यूपीआई आईडी में करना है। तो दोस्तों मुझे बैंक अकाउंट में ये पैसा रिफंड चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूंगा ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में दोस्तों मेरे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर मुझे मेरे बैंक की डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो चलिए फटाफट मैं अपने बैंक की डिटेल यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। डिटेल्स एंटर करने के बाद में सिंपली मुझे क्लिक करना होगा ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है और ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो सिंपली मुझे क्लिक करना होगा रिफंड टू बैंक अकाउंट के ऊपर। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, नीचे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्लीज मेक श्योर दैट द अकाउंट डिटेल एंटर आर करेक्ट, इट यूजुअली टेक्स अप टू 72 आवर्स फॉर द अमाउंट टू रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंट। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 72 आवर्स तक लग सकता है पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 72 आवर्स मैक्सिमम टाइम है, आपका इंस्टेंटली भी पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ आपको करके दिखा देता हूँ, देखते पैसा इंस्टेंटली आता है कि नहीं आता है। तो उसके बाद में सिंपली मुझे क्लिक करना होगा रिफंड टू बैंक अकाउंट के ऊपर। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया उसके बाद में मेरे सामने ये स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पे लिखा है योर गिफ्ट कार्ड वर्थ ₹500 हैज बीन कैंसल्ड एंड रिफंड इज इन प्रोसेस। सो दोस्तों हमारा जो रिफंड है वो प्रोसेस में है और अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया रिफंड डिटेल्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया यहाँ पे पॉपअप आ चुका है कि जो मेरा पैसा है वो इस बैंक अकाउंट के अंदर आने वाला है। और दोस्तों आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर स्टेटस चेंज हो चुका है, यहाँ पर कैंसल्ड एंड रिफंडेड का स्टेटस अपडेट हो चुका है। और दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मुझे DBS बैंक की तरफ से मैसेज भी आ चुका है कि पैसा मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे आप इंडिया गोल्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद में गिफ्ट कार्ड क्रिएट करके पैसे इंस्टेंटली आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये एप्लीकेशन 100% जेन्युइन है, क्योंकि ये स्टार्टअप इंडिया के तहत बनाई गई एप्लीकेशन है जिसमें भारत सरकार सभी तरह के एंटरप्रेन्योर को एनकरेज करती है ताकि वो अपना योगदान इंडिया के डेवलपमेंट में लगा सके। तो दोस्तों अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप गिफ्ट कार्ड क्रिएट करके रोजाना 1,00,000 रुपए तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इंडिया गोल्ड एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैंने आपको बताया उसको फॉलो करना है, आप भी गिफ्ट कार्ड क्रिएट करके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।